हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बेंजोइक परऑक्साइड के बारे में। बेंजोइक परऑक्साइड एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अगर आपको पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम हुई है तो। मैं ऑलरेडी रेटिनॉल और क्लिंडामाइसिन के बारे में बता चुकी हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है पिम्पल के लिए, पर हर किसी को ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। कुछ लोगों की स्किन पर बेंजोइक परऑक्साइड बहुत अच्छे से काम करती है, तो आज की वीडियो में मैं बेंजोइक परऑक्साइड के बारे में बताने वाली हूँ कि ये क्या होता है, कैसे आपकी स्किन पर काम करता है, कौन कौन सी क्रीम्स अवेलेबल हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो अगर आप बेंजोइक परऑक्साइड के बारे में ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं बेंजोइक परऑक्साइड होता क्या है। तो बेंजोइक परऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है जो कि बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। ये क्या करता है, आपकी स्किन पे एक्ने करने वाले जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है। ये उन चीज़ों पे काम करता है जैसे कि आपकी स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं, जैसे कि क्लॉक पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा, और डेड स्किन को रिमूव करता है जैसे कि आपकी स्किन पे ये जो पिंपल्स हैं ना हो पाए। वैसे तो ये सारे टाइप के एक्ने पिंपल पे काम करता है, पर अगर आपको इन्फ्लेमेटरी एक्ने हुए की प्रॉब्लम है तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। मतलब आपको सिस्टिक एक्ने हुए हों, पॉस्ट्यूल्स, पेप्यूल्स, नोड्यूल्स जिनमें पस हो जाती है, उन वाले पिम्पल्स पे एक्ने पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ये जो बेंजोइक परऑक्साइड है ये माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने को ट्रीट करने का काम करता है। ये जो क्रीम है बेंजोइक परऑक्साइड, ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स पे काम नहीं करती है, ना ही ऐसा है कि आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करेगी। ये सारी प्रॉब्लम्स पे ये काम नहीं करती है, ना ही ये दाग धब्बों को कम करती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये स्पॉट ट्रीटमेंट का काम करती है, पर ऐसा नहीं है। क्या होता है, जब भी आप कोई एक्ने ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो स्किन को ड्राई करती है, पील करना शुरू कर देती है, तो आपकी स्किन पे जो पहले से पिंपल होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो थोड़े से लाइट नज़र आते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि ये दाग धब्बों को कम कर रही है, पर स्पेशली आपको इसको दाग धब्बों को दूर करने के लिए यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ पिंपल के लिए यूज़ करना है। ये पिंपल के साइज़ को रिड्यूस करेगा, रेडनेस को कम करेगा, और धीरे धीरे ड्राई करके उनको पील कर देगा, आपके पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स जेल्स अवेलेबल हैं जिनमें बेंजोइक परऑक्साइड आता है, पर अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कोई भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, और जो फैंसी ब्रांड्स हैं उनके उनके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं और उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। पर अगर आप कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बेंजोइक परऑक्साइड के लिए तो वो काफ़ी इफेक्टिवली आपकी स्किन पर काम करता है। एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जेल है जिसका नाम है बेंजोइक एसी, जो कि सारे डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं और काफ़ी इफेक्टिवली पिंपल पे एक्ने पे काम करती है। आपको वन वीक में ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, और जब आप इसको 15-20 दिन तक रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। इसको आपको सिर्फ नाइट में ही यूज़ करना है। आप अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के लिए आप माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ करें जो कि आपकी स्किन को ड्राई ना करे और जो कि आपकी स्किन को सूट करता हो, ऐसा फेस वॉश लीजिए। और वॉश करने के बाद आप अपने फेस को कम्प्लीटली ड्राई कर लीजिए। इसके बाद आप ये क्रीम लगा लीजिए। क्रीम आपको पूरे फेस पर नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ आपको पिंपल का प्रॉब्लम हुआ है वहाँ वहाँ इसको लगा लेना है। आप ये जेल को और या बेंजोइक परऑक्साइड की कोई भी क्रीम या जेल आप यूज़ करते हैं उसको आप ओवरनाइट लगा के रख सकते हैं। ये जो बेंजोइक परऑक्साइड होती है ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करती है, पील करेगी, तो आपको इसके साथ एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब नाइट में आप इसको यूज़ करते हैं तो दिन में आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, साथ ही साथ सनस्क्रीन यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ये बेंजोइक परऑक्साइड यूज़ करते हैं तो सनस्क्रीन यूज़ करना ही है, चाहे फिर आप घर पे हो या बाहर हो। अगर ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा है, आप एक दिन लगा के देखो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कर रहा है, तो आप इसको अल्टरनेट लगाना शुरू कर दीजिए। तो एक दिन आप अपना बेंजोइक परऑक्साइड लगाइए नाइट को, और एक नाइट एक आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जिससे बैलेंस बना रहेगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पील नहीं होगी और ये इफेक्टिवली वर्क करेगा। अब कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मॉइस्चराइज़र सजेस्ट किए हुए हैं जो कि मेडिकेटेड हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। एक बात और, अगर ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करने पर भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो आप इसको वीक में दो बार यूज़ करना शुरू कर दीजिए।
अब बात करते हैं इसको यूज़ करने के क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसको यूज़ करने के बाद साइड इफ़ेक्ट जो देखने मिल सकते हैं वो ये कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पील होगी, कुछ लोगों की स्किन पर रेडनेस ईचिंग होती है। तो अगर आपको रेडनेस या ईचिंग हुई है मतलब आपको ये सूट नहीं कर रहा है, आप इसको यूज़ करना बंद कर दें। तो क्या सारे स्किन टाइप्स वाले बेंजोइक परऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं? वैसे तो सारे स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो विदाउट डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, हो सकता है सेंसिटिव स्किन पे आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा दे, इसलिए आप अपने आप से सेंसिटिव स्किन पे यूज़ ना करें। दूसरा, ड्राइनेस है, चैप्ड है स्किन, तब भी आपको इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ड्राइनेस है आपकी स्किन पे, आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा ड्राइनेस करके आपकी स्किन पे प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। आपकी स्किन पे कोई पहले से एलर्जी है, एक्जिमा का प्रॉब्लम है, बर्न है स्किन, तब भी आपको इसको यूज़ नहीं करना है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है कि आप इसको क्या किसी और इन्ग्रीडियंट के साथ यूज़ कर सकते हैं? तो आप खुद से इसको किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके यूज़ ना करें। मार्केट में ऑलरेडी क्लिंडामाइसिन के साथ इसका मिक्सचर आता है, जो कि जब बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको खुद से अगर यूज़ करना है तो आप बेंजोइक परऑक्साइड का 2.5% ही यूज़ करें और किसी भी चीज़ के साथ इसको मिक्स करके यूज़ ना करें। अगर आपने आप कुछ दिनों से रेटिनॉल या क्लिंडामाइसिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पील हो रही है, ड्राई हो रही है, या काफ़ी टाइम हो गया है आप ये सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल वगैरह यूज़ कर रहे हैं और फिर आप बेंजोइक परऑक्साइड यूज़ करना चाहते हैं, तो तुरंत इसको यूज़ ना करें। पहले उन सारी चीज़ों को बंद कर दें थोड़े दिन के लिए, 10-15 दिन का गैप दें, अपनी स्किन को थोड़ा रिलैक्स होने दें, इसके बाद आप ये बेंजोइक परऑक्साइड जो भी क्रीम्स हैं उनको यूज़ करना शुरू करें। ज़्यादा जो पॉपुलर जेल आती है बेंजोइक परऑक्साइड की, वो बेंजोइक एसी है 2.5, जो कि किसी भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, पर फिर भी हो सकता है कई स्टेट्स में ये क्रीम अवेलेबल नहीं रहती है, कई सिटीज़ में ये अवेलेबल नहीं होती है, तो मैं इसके और ऑप्शंस आपको बता देती हूँ, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें भी बेंजोइक परऑक्साइड है और वो भी 2.5% में। तो अगर आपको बेंजोइक एसी नहीं मिलता है तो आप यूज़ कर सकते हैं परसोल एसी 2.5, एक्नॉक्स, एक्सी जेल और परनॉक्स। ये सारे जेल्स जो हैं ये 2.5% इसमें बेंजोइक परऑक्साइड है। आप इनको किसी भी जेल को किसी भी कहीं से भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर। अगर आप ये बेंजोइक परऑक्साइड की जेल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो एक ब्रीबॉक्सिल फेस वॉश आता है जिसका कंप्लीट रिव्यू आपको मिल जाएगा, और मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। ये फेस वॉश भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली पिंपल पे काम करता है। तो अगर आप ये जेल्स वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फेस वॉश यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या बेंजोइक परऑक्साइड आपको सूट कर रहा है या नहीं। इसके साथ ही अगर आप ये जेल के साथ इस फेस वॉश को यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो ब्रीबॉक्सिल फेस वॉश है बेंजोइक परऑक्साइड का, उसको आप दिन में यूज़ करें, उसके बाद आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएं, और नाइट में आप वो क्रीम यूज़ मतलब जेल जो यूज़ करने वाले हैं बेंजोइक परऑक्साइड वो यूज़ करें। तो आई होप आपको ये बेंजोइक परऑक्साइड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।